दक्षी पीछे वाले बैठ। दक्षी आओ। व्लॉगिंग स्टार्टेड। ये रे। व्लॉग कर रहा है। आज हम लोग आए हैं भारत दर्शन पार्क, जो कि पंजाबी बाग में है, जो कि पंजाबी बाग में है, वहाँ पे आए हैं विद फैमिली घुमाने के लिए। और आज आपको दिखाते हैं अंदर पार्क कैसा है क्या है, क्योंकि हमारा भी ये फर्स्ट विजिट है यहाँ का, तो देखते हैं फिर कैसा रहेगा अंदर का पार्क। ये रहा इसका एंट्रेंस, जो कि आप देख सकते हैं और भीड़ देख सकते हैं। टिकट ली जा रही है सामने, भाई लगा हुआ है लाइन में, वो ले गए टिकट। तो हम मम्मी की फैमिली के साथ आए हैं, बड़ा भाई, बच्चे और हम और इनो। इनो कहाँ बोल रहे हो? इनो हाय बोलो, हाय बोलो, हाय। टिकट जो है हमने ले ली है, तो चलो फिर, चलो मम्मी आगे चल। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है भारत दर्शन पार्क का, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। और आते ही सबसे पहले SDMC लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, जाके भाभी जा रही है फोटो खिंचवाने के लिए। मीनू कहाँ गई? पीछे देख सकते हैं ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, जैसे वेस्ट ऑफ वंडर है, सेम वही चीज है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये पीकॉक। ये पीकॉक नहीं है, पीकॉक बर्ड है क्या ये? अच्छा, ये कोई बर्ड है, मुझे लगा पीकॉक है। अब ढंग से दिख रहा है, पीकॉक सही लग रहा है, पता नहीं कौन सा बर्ड ही है ये। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, सारी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। पता नहीं मेरी वॉइस कितनी आ रखी होगी। तो यार सबसे पहले आपको ये फाउंटेन दिखाती हूँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है। जब हमने एंट्री करी तो उससे पहले जिसको मैं पिकॉक बोल रही थी, वो एक बर्ड था, वो दिखाई दिया, ठीक है। वो बेस मटेरियल वायर्स वगैरह से बना हुआ है। और ये ट्री है, ये ट्री टोटली वायर्स पाइप्स और सिलेंडर से बना हुआ है। देखो ये जितने भी आपको राउंड राउंड फिगर आउट हो रहे हैं ना, ये सारे सिलेंडर हैं, गैस सिलेंडर हैं। और बहुत सुंदर ट्री टाइप का ये बना रखा था, बरगद का पेड़ था आई थिंक, क्योंकि इसकी लताएँ भी लटका रखी है ना। और यहाँ पे फिर मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, फ़ोटो खिंचवाई हमने एक दो यहाँ पे ड्रेस के लिए। ऐसे कॉटेज भी बना हुआ है यहाँ पे। आगे चले गए मुझे लग रहा है वो लोग, आगे तो नहीं चले गए, इधर खड़े थे यहाँ पे अभी। अरे ये तो झूले थे बेटा, ये रे।
ये क्या है? हवा महल वहाँ जयपुर, जयपुर का हवा महल दिल्ली में आ गया है, देख सकते हो आप ब्लू कलर का। कैसा लग रहा है हवा महल? कैसा लग रहा है? जयपुर में तो देखा नहीं, यहाँ देख लो। इसका ना एक्चुअली वो शेड बदल रहा है, कभी पर्पल हो रहा है कभी पिंक हो रहा है, ये है ना सारे कलर चले। अरे कहाँ छोड़ दूँ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये है गोल गुंबद, देख सकते हो आप, और इसमें भी शेड चेंज हो रहे हैं। बोरा 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 दक्षिण, इनकी शैतानिया। ये आपको दिखाओ, गोल गुंबद दिखाने के बाद ना मैं ये इस तरह से दिखा रही हूँ, तो ये इसमें भी लिखा हुआ है कि पिस्टन, ट्रक की कमानी, गियर, साइकिल पैंडल, तराजू, इन सब से जो है ये पूरा बन रखा है। ऐसे ही मैं आगे आपको जितनी भी चीज़ें दिखाऊंगी ना, तो सबका थोड़ा थोड़ा एक क्लिप दिखा दूंगी, ताकि आप पढ़ लो या इसको वीडियो को रोक के पढ़ लो कि कौन सी चीज़ किससे बनी हुई है, ठीक है। हमारे बच्चे ना बार बार आगे आगे भाग जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और अच्छे से हम एंजॉय नहीं कर पा रहे, वरना यहाँ पे बैठने का भी काफ़ी अच्छा एरिया है। ये देखो आप पीछे देख सकते हो सारा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट जो आ गया है वो है कुतुब मीनार, जो कि ये रहा। बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, इसकी डिटेलिंग पढ़वाती हूँ आप लोगों को, किस किस चीज से एक्चुअल में ये बना हुआ है। पीछे फोटो दे रखी है, ये गियर है, गियर का है, गैप कटिंग की। अब किसी को फोन दे के ले लो, ये आयरन मेस क्या होता है पापा? ये आयरन फोटो में तो कुतुब मीनार नहीं पकड़ जा रही है, ऐसे पकड़ लेती हूँ। मीनू हमारी पागल हो चुकी है खुली जगह देख के। भाई पीछे लुढ़क जाएगी यार ये लड़की। इधर तीन पाँच बोलना, तीन पाँच, तीन पाँच हो गया, तीन पाँच कर दिए। हाँ यहाँ पे जितनी भी चीजें बनी हुई है लोहे से, पेचों से, पाइप से, और काफी सारी चीजों से बनी हुई है। मैं हर चीज की आपको डिटेलिंग भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ साथ के साथ, और ये कह रही है मेरे को पता नहीं था, क्योंकि पढ़ने की तो जरूरत करी नहीं होगी इन सब चीजों को। मैं जाके एक एक जाके वो डिटेलिंग भी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों तक पहुँचाना है। बाकी यहाँ की टिकट कितने कितने की है, पढ़ा है मैंने, पढ़ा है यहाँ की टिकट कितने की, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये ज्ञान का प्राचीन केंद्र, जो कि एंगल पाइप्स वगैरह से बना हुआ है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे सिट करके? बहुत अच्छा बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमारे बच्चे हमें बैठने नहीं दे रहे हैं, भगाए जा रहे हैं। ये देखो सामने ये वो है, कौन सा टेंपल है ये अभी बताती हूँ मैं आपको, मुझे याद नहीं आ रहा। इंडिया का हर एक कोना है।
खाने पीने का मन है तो इस तरह से ड्रिंक्स ले सकते हैं आप, पीने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। क्यों गोदी खाऊं, छोटी बच्ची थोड़ी है। लाइटिंग का थोड़ा इशू है। भगवान बद्री की मूर्ति को पाया गया था नदी में। ऐसी ये कौन सी जगह है? सब लोग कहाँ चले गए? ये कौन सा जगह है? इनो अकेले कहाँ घूम रही है? इधर एक ही चीज यूज कर रखी है साइकिल के पास। भाभी कहाँ है? इनो आ बेटा यार धाम जा वहां जाए। इनो फुट वो फुट की जगह जा। इनो जा खड़ी हो। नो नो अरे छोड़ छोड़ जाओ। वो दीदी के साथ जाओ, मेरे साथ जाओ, फिर आप फोटो खींचोगे। जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ जाओ नीचे पूरे को। मुझे तो कोई दिखाई नहीं। सामने देखो विनो, मुंह सही कर। ऐसे कर विनो, स्माइल प्लीज। ये ऐसे मत करवाया करो यार, स्माइल प्लीज। साफ नहीं आती फिर फोटो। हाथ नीचे, हाथ नीचे करो विनो, हाथ नीचे नीचे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अरे फोटो खिंचवाने तो खिंचवा लो किसी को। कैसा लगा मम्मी? मम्मी ने सुन रखा था, मैंने तो सुना भी नहीं था। हाँ मेरे को थोड़ी सी नॉलेज थी कि कोई ऐसा वेस्ट ऑफ गंडर की तरह दिल्ली में एक और हुआ है, मतलब खुला है, खुला है। एक घटना और घटित हुई है तो वो घटना आज हमने देख ली है। तो इस घटना के अच्छा एक हफ्ता पहले मैंने कल सुना था। मैंने भी बहुत दिन मुझे हो गए बहुत दिन क्या, दो हफ्ते पहले सुना, किसी ने बताया। नीचे देखो ये कुछ बना हुआ है, ये मुझे आई थिंक वो लग रहा है। मैं नाम भूल जाती हूँ, मुझे नाम सबके पता होता है फिर भी भूल जाती हूँ। मैं जाके हाँ है ना, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। बुद्ध हाँ
बुद्ध स्मारक, बुद्ध स्मारक। ये भी अगेन ग्रीस, वायरिंग, नट बोल्ट, रॉड, स्प्रिंग, सब इन सब चीज़ों से मिलके बना हुआ है। और ये रहा इसका एड्रेस। वो रे बुद्धा जी सामने बैठे हैं, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ रखे हैं, कुछ आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रांचेस देखो नीचे आते हैं, इसकी रूट्स बन रही हैं। कितने अच्छी तरीके से वो कर रखा है बुद्ध जी को, पेड़ के नीचे बिठा रखा है लताओं के अंदर। वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग तो बाहर को गए हैं। चलते हैं, चलो। यहाँ पे छोटा सा गार्डन, दिन में खूबसूरत लगता होगा यार। ये उत्तराखंड का फेमस पेड़, चीड़ का पेड़ भी है यहाँ पे। चीड़ जो भी होता है, अब मैं पूरा प्रॉपर ले नहीं पा रही हूँ। और ये मम्मी कह रही शौत। और इसमें फ्रूट भी लगा हुआ है, लगा हुआ है ना मम्मी फ्रूट? हाँ ये लगा है। ठिट बोलते हैं, हाँ ठिट कहते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। ये इनका फ्रूट लगा हुआ है, इसमें बड़े बहुत सारे लगे हुए हैं, लोग इनको डेकोरेट। रानी विक्टोरिया स्मारक, नो पानी। यहाँ पे सही लाइटिंग है, यहाँ पे फोटो खिंचवा लो। सब एक मिलके एक सेल्फी लाइटिंग के साथ फोटो खिंचवाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन सी चीज़ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन सी चीज़ है। शाही महल, जो कि अगेन बना हुआ है बाइक चेन, नट बोल्ट, साइकिल पैडल, साइकिल स्प्रिंग्स एंड कांच की बोतलों से। ओके, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अरे आ जा, टाइम लगेगा फोटो सेशन के लिए। पीछे कैमरा इससे है ना? क्या हां, ये घुमाओ बस, हो गया। बैठना सही, बैठने का नंबर ही नहीं आया। ये वेस्ट ऑफ वंडर की तरह ही है बिल्कुल। बस वहाँ पे सात दुनिया के अजूबे हैं, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे दो अजूबे हैं, यहाँ पे दो अजूबे ही है, और बाकी तो हमारे बच्चे अजूबे हैं बस, बाकी वैसा ही है। स्पेस भी ठीक ही है। चार मीनार, हैदराबाद की आन बान और शान, चार मीनार। चलो फिर चार मीनार के अंदर चलते हैं। यही हूँ बेटा, यही हूँ। मंदिर की घंटी, चलो बाहर।
फिटू अंदर हिटू अंदर घुस गई। बुद्धा जी लेटे हुए, बुद्धा जी सुनो सामने देखो, आप जल्दी ले सकते हो। इसको हाथी के पास बिठा दो, इसको हाथी के पास बिठाओ, इसकी फोटो खींचेंगे। अजंता एलोवेरा, एलोवेरा के वो जो है गुफाएं हैं पीछे जो है अजंता की। हेलो सर, बच्चों को अच्छा खड़े हो जाओ, चलो लेके मेरे देखो सामने, मेरे सामने देखो मम्मा को। चलो वो अंकल बाहर है ना, अंकल कह रहे हैं ना। हम सोचे थे वीडू की बिठा के फोटो खींचेंगे, पर जो गार्ड है उन्होंने मना कर दिया, नहीं 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 खींचनी फोटो। इधर इधर क्लियरिटी अच्छी आ रही है, इधर यहाँ पे धूप या है ना लाइट। बीनू को वो आ गया, इधर आ जाओ, पर वहाँ पे खींचेंगे। बीनू को ये सारे भूत लग रहे हैं, लोहे के बने हुए हैं, तो हर किसी को भूत 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 बोल रही है। नेक्स्ट, ये रहा हमारे देश की आन बान शान ताजमहल, और यहाँ पे क्राउड देख सकते हो आप लोग। यार ताजमहल में फोटो खींचो यार, एक अभी तो चेंज होएंगे लाइक। तो जैसा कि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि यहाँ पे लाइट चेंज होगी, तो लाइट चेंज हो रही है यहाँ पे ताजमहल पे, पहले ग्रीन फिर रेड, हर जगह पे ये लाइटें तो चेंज हो रही थी। और ये वीडियो मैंने बिल्कुल आपको अनकट दिखाई है, सब कुछ ओरिजिनल वॉइस सब कुछ सुनाई है। तो ये कैसी लगी आपको का मंदिर जरूर बताना मुझे, जो कि अजैन इन सब चीज़ों से बना हुआ है। अच्छा था, थक चुकी है बुरी तरीके से। अच्छा था यहाँ पे ना आने के लिए आपको का पेशेंस लेवल बहुत होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ डिटेल से पढ़ना और फोटो भी खिंचवानी है, पढ़ना भी है, और बच्चों के साथ बहुत परेशानी है, क्योंकि ये लोग भागे जा रहे हैं आगे आगे। तो अगर आप लोग सिंगल है तो ज़रूर आओ, देखो नॉलेजेबल है, ठीक है ना। बच्चों के लिए बस भागने की जगह है ये, खुली खुली जगह है, प्ले ग्राउंड है उनके लिए। उन्हें कुछ मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ भागना है भागना है। और अगर कुछ खाने पीने की मिल जाए तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ की टिकट जो थी, टिकट के बारे में बता दूँ, बताओ तुम, इन्होंने चेक किया था तो बताओ। बड़ों की 150 है और चिल्ड्रंस की 70। और एक बात और, 100 rupees जो है मॉर्निंग के टाइम पे, मतलब तीन साल से छोटे के बच्चों की कोई टिकट नहीं है। और इवनिंग के टाइम पे लाइटिंग का पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, तो 50 rupees एक्स्ट्रा है, 150 rupees जो है टिकट है पर पर्सन। और ओल्ड एज के लोगों के लिए और बच्चों के लिए थ्री प्लस के बच्चों के लिए 75 rupees है शाम के टाइम पे, ठीक है ना, और 100 rupees मॉर्निंग के टाइम पे। तो आप अपना टाइम देख सकते हैं, अपने जेब देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक था, मुझे तो ठीक लगा, अच्छा लगा, ठीक है। तो यही था फिर आज का व्लॉग, आपको इतनी अच्छी जगह दिखा दी, अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर ज़रूर आना, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।